हाँ जी, दो
की फ्रेंड होती है ना तो ना वाला क्या होता है तो ना बुरी फ्रेंड आ जाती है उनकी तो ना वो भी इतना पूरा ही खाना ले आती है अपना। ये स्टोरी कहाँ की कहाँ जा रही है? तो ना मैं चला दो तो नहीं नहीं उसकी स्टोरी कहाँ तो होने दो तो ना बला तो मैं तो उसकी बातें मार्क्स हैं। नो इंटरप्शन तो ना बला क्या होता है तो ना एक ना वो ना अपना साथ ना चूहा जो उनके बच्चे हैं ना वो भी ले आती हैं। अच्छा सारी चीजें ले आती हैं चूल्हा भी हाँ किचन भी ले आती है अपना घर भी ले आती है किचन भी और घर भी ले आती है। अच्छा फिर ना वो ना बुरी आंटी के ऊपर ना घर गिर जाता है तो ना बड़ा क्या होता है किचन भी गिर जाता है। अच्छा फिर ना सारी फायर रेंजर उठाते रहती हैं सारी आती हैं फायर रेंजर तो ना उनसे उठाया नहीं जाता। एंड ऑफ स्टोरी। अब मेरी बारी अब मामा मैं सुनाऊंगी बिल्ली वाली। हाँ एक बिल्ली होती है उसके ना तीन बच्चे होते हैं एक का नाम होता है टिंकू एक का नाम होता है मिंकू एक का नाम होता है चिंटू। तो ना वो सारे एक दिन ना पता क्या होता है उनकी मामा कहती हैं बेटा मैं ना नहीं वो ना हर रोज खाना लेने जाती हैं तो ना वो हर रोज उनको समझा के जाती हैं कि बाहर नहीं निकलना वो तक तो नहीं निकलते पर एक दिन ना उनकी मामा कहती हैं बेटा मैं ना खाना लेने जा रही हूँ तो आप लोगों ने ना बाहर नहीं निकलना। अच्छा, वो कहते हैं मामा आप जाए हमें कुछ हम बाहर नहीं निकलेंगे मामा जाए आप। अच्छा, तो फिर जब वो जाती हैं वो लोग ना कहते हैं एक में से एक बच्चा अच्छा होता है ना हाँ। अच्छा। तो ना एक में से एक बच्चा कहता है हमें ना मामा की बात माननी चाहिए और हमें मामा की बात माननी चाहिए वरना हमारे साथ ना कुछ बुरा हो जाएगा। उधर मामा ने बताया था कि ना सामने भेड़िया रहता है। अच्छा। तो ना हाँ हम लोग ना नहीं जाते तो ना जो दूसरे गंदे बच्चे होते हैं ना वो कहते हैं भाई कोई भेड़िया नहीं होता कोई उधर रहते ही नहीं है। अच्छा। हम जब भी उनके पास खेलते हैं तो फिर वो आते ही नहीं हमें नजर। अच्छा। तो ना फिर पता क्या होता है वो वैसे बिल्ली के जो बातें करते हैं तो वो अच्छा बेबी कहता है मैं तो नहीं जा रहा आप जाओ खुद ही देख लो आपके साथ कुछ बुरा होगा भेड़िया आप लोगों को पकड़ लेगा। तो उन्हें जब वो लोग जाते हैं ना तो फिर ना जोर जोर से खेलने लगते हैं जोर जोर से भेड़िया को आवाज आ जाती है। भेड़िया कहता है वो इधर तो एक बच्चे खेल रहे हैं मैं तो इनको मजे से पका के खा सकता हूँ। तो फिर ना वो ना भेड़िया जो होता है ना वो ना एक साथ वाला घर उसमें ही भेड़िया रहता है। भेड़िया को अभी पता नहीं होता भेड़िया कहते हैं जब ये लोग ठक ठक करेंगे ना तो फिर मैं इनको पकड़ूंगा। तो ना मामा पता क्या तो ना फिर पता मामा क्या होता है फिर पता क्या होता है वो जब उनके ना उस घर पे ना नजर पड़ती है किधर कौन है वो देखना चाहते थे क्योंकि उन्होंने कभी वो घर नहीं देखा था ना कभी वो घर में नहीं गए थे ना वो भेड़िया का ही था। तो ना वो जब जाते हैं ना भेड़िया जब वो ठक ठक करते हैं तो फिर भेड़िया खोल लेता है फिर जो बच्चे होते हैं वो भेड़िया से पूछते हैं भेड़िया भाई
आपने वो चूल्हा क्यों गरम रखा, पानी क्यों गरम किया? अच्छा, वो भैया कहते हैं बेटा मैंने आप लोगों के लिए इससे खाना बनाना है ना, एक सूप बनाना है ना, तो इसलिए ना मैं ना पानी को गर्म कर रहा हूँ। ये तो बड़ा खौफनाक होता है। फिर ना पता क्या होता, वो उस दरवाजा बंद करता है, लॉक कर देता है दरवाजा खत्म, ताकि वो बच्चे ना जा ना सके घर। तो फिर क्या होता है, वो जो अच्छा भाई होते हैं ना, उनको ना अपने वो छोटे होते हैं ना बड़े भाई से, वो 3 साल का होता है जो अच्छा होता है, और वो जो दोनों होते हैं ना वो 2 साल के होते हैं। अच्छा, वो ट्विन्स होते हैं? हाँ, ट्विन्स होते हैं। तो वो ना चले जाते हैं बड़े, थोड़ी देर बाद ना बड़े भाई को ना फिक्र होने लगती है छोटे भाइयों की। तो फिर ना वो ना कहते हैं, ओ मुझे तो अपने छोटे भाइयों की फिक्र हो रही है, अब मैं क्या करूँ। तो ना जैसे ही उनकी वो बोल रहे थे ना, भेड़िया ना उनको कहता है, मैं तो आपसे झूठ बोल रहा था, मैं आपको पका के खा लूंगा। तो फिर वो इतना चीखते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद ना उनकी मामा आ जाती हैं। जब मामा आ जाती हैं ना, तो फिर मामा उनको आवाज देती हैं। तो फिर ना एक बच्चा आ जाता, बच्चा जो रह गया होता है, तो उन्हें सारी मामा को बात बताता है कि वो हुआ ये हुआ है। तो उन्हें ये सारी जब बात बता देता है ना, वो ना पता किसको बुलाती है, लाइन को। आपको पता है ना लाइन खा जाता है? तो ना लाइन को कहती है, लाइन प्लीज़ आप मेरी मदद करेंगे। वो कहते हैं ठीक है। तो वो सारी उसको बात बताती है। तो वो ना उसके पास जाता है, भेड़िया के। हाँ, भेड़िया के पास जाता है, ठक ठक करता है। तो भेड़िया कहता है, कौन? जो होती है ना बिल्ली, वो होती है, उस साथ ना उसके लायन भी होता है। तो ना जब वो दरवाजा खोलता है ना, वो शेर को देखता है, वो शेर कहता है, बिल्ली के बच्चे वापस करो वरना मैं आपको खा जाऊंगा। तो वो वापस कर देता है। तो ना जो बड़ा भाई होता है ना अच्छा वाला, वो ना अपने दोनों भाइयों से गले मिलता है। फिर उनको मामा समझाती हैं कि आपने ना नेक्स्ट टाइम ना कभी कभी बाहर नहीं जाना, आप लोगों ने ना बस घर के अंदर ही रहना है। आप बताएं किसके अच्छे मार्क्स हैं? ये तो कुछ जाना के अच्छे मार्क्स आते हैं। जाना के आते हैं 8/10 आउट ऑफ 10। और जहेर के आते हैं, जहेर की चूंकि थोड़ी सी फनी थी तो जहेर के आते हैं 5। स्टोरी का तो सर मुंह नहीं था दे। मैं दूसरी सुनाऊं? हाँ चलो दूसरी सुनाओ। अब मैं अच्छी सुनाऊंगा। एक ना पुलिस होते हैं, वो ना भला क्या करते हैं, वो ना जो बुरे लोग होते हैं, दूसरे खेल खेलें, दूसरा खेल। स्टोरी, उसको स्टोरी वो कह रहा मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं आपा से। तो ना बुरे जो लोग होते हैं ना, उनके भी पुलिस हेल्प करते हैं। तो ना एक दिन से भला क्या होता है, बुढ़ी आंटी को ना भला क्या होता है, बुढ़ी आंटी की ना लाइट टूट जाती है। अच्छा। तो ना वो लगाना शुरू करती रहती हैं। फिर ना उनसे लगाई नहीं जाती। फिर ना एक ना एक और पुलिस आ जाते हैं, इतने ज्यादा आते हैं। पहले वो बताती हैं आंटी पहले के क्या बताती हैं?
फिर मेरी लाइट उड़ गई है। अच्छा। तो ना वो ना जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ना उनसे जुड़ जाती है। अच्छा। एंड ऑफ स्टोरी। मामा मैं सुनाऊं आपको। एक दिन ना एक ना आंटी होती है, वो ना बड़ी अच्छी होती है, पर ये बात होती है वो बड़ी ना बूढ़ी होती है। बूढ़ी बूढ़ी मतलब आपको पता है ना, ओल्ड ओल्ड लेडी। हाँ जी, ओल्ड। तो ओल्ड लेडी। तो ना एक दिन ना उनके पास ना एक फ्लावर था, वो ना उनका ना सबसे अच्छा फ्लावर था। वो ना कभी ना किसी को छूने नहीं देती थी, मतलब हाथ नहीं लगाने देती थी या तो होने नहीं देती थी। तो ना पता क्या होता है, एक दिन ना एक रात वो सो रही होती है, तो ना जो बेस्ट फ्लावर होता है ना वो चोरी करके ले जाता है, जो उनका बेस्ट होता है। तो वो जब चोरी करके ले जाता है ना, तो फिर पता क्या होता है, सुबह उठती है वो हर रोज चेक करती है कि मेरा फ्लावर उधर ही है, पर जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है मेरा फ्लावर तो नहीं है। वो हर जगह ढूंढती है, हर जगह। फिर ना वो ना पुलिस को कॉल करती है, जो ओल्ड लेडी होती है। जब वो पुलिस को कॉल करती है, पुलिस आते हैं, फिर उनसे पूछते हैं, फिर वो इतनी सारी जगह फाइंड करते हैं, इतनी सारी जगह। तो ना एक वो ना फिर ना मिलना नहीं होता। ओल्ड लेडी जो होती है ना वो ना फिर रो रही होती है, क्योंकि वो उनका बेस्ट फ्लावर होता है ना। कलरफुल भी होता है रेनबो की तरह। हाँ, वो बड़ा प्यारा था फ्लावर। तो वो ना मैजिकल भी था ना, थोड़ा मैजिकल। उससे क्या मैजिकल था? वो ना उससे ना थोड़ा अच्छा मैजिक होता है कि ना उसको ना कभी जब भूख लगती है ना तो उसको खाना मिल जाता है उसमें से। हाँ, तो ना जब वो रोने लगती है जब रात को, फिर उसके बाद ना वो उसके पास ना इतने ज़्यादा फ्लावर होता है, जब रोने लगती है ना उसको तो याद आता है, पर मेरे पास इतने सारे फ्लावर्स हैं, मैं उनको भी तो यूज़ कर सकती हूँ ना, वो भी तो इससे उसी तरह के है ना मैजिकल। तो ना वो उनको फिर सारे यूज़ करती है। तो ना जब इतने दिन बीत जाते हैं तो फिर ना उनके सारे मैजिकल फ्लावर्स ना चोरी हो जाते हैं दोबारा, सारे चोरी हो जाते हैं। तो ना वो इतना रोती है कि वो ना इतने ज़्यादा पुलिस को कॉल करती हैं, क्योंकि उनका गुम हो गया होते हैं ना सारे, वो उनके बेस्ट होते हैं। तो ना तो फिर वो पुलिस को कॉल करती हैं, पुलिस फिर ढूंढते हैं एक रोड पे ना वो ढूंढते हैं, वो चोर होता है, उन्होंने वो आंटी को भी साथ लेके गई होती है ना, ओल्ड लेडी को वो भी साथ लेके होती है ना, ताकि अगर वो साथ नहीं लेके आती होती तो फिर वो पता कैसे चलता कि कौन सा फ्लावर है। तो उनको साथ लेके गए, पुलिस ने पूछा ये तो नहीं है चोर जिसने आपको फ्लावर चोरी किए थे। तो ना वो ना कहती है वो ओल्ड लेडी कहती है मुझे ये शॉपर दिखाओ, शॉपर में क्या है। तो वो दिखाता नहीं है क्योंकि उसके अंदर ही फ्लावर्स होते हैं ना। तो ना वो भागता है, मम्मा ये भी तो करे ना, तो ना वो भागता है फिर पुलिस उसको पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है। तो फिर वो पुलिस का थैंक यू करती है उनको ना एक में से एक फ्लावर दे देती है। एंड ऑफ स्टोरी। जेरा पापा को कितने मार्क्स दे हैं? 20 आउट ऑफ 10। हां जी क्या मामा आप बताएं। आई वुड गिव यू 8 आउट ऑफ 10।
Zuhair. 5 out of 10. Five. मेरे से थोड़ा. Because your story was not very interesting, but very funny.